हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो एक करेक्शन है, ये लॉकडाउन में मैं थोड़ा लेट हो गया। सो अब मेरी पे रेट $20 है और मैंने इसके अंदर $17.5 अपनी पे रेट बताई हुई है, तो उसको इग्नोर करना। सो यार आज दिन बड़ा अच्छा जा रहा है, फैन चल रहा है, चेयर मेरी ये रही, बॉर्डर मेरी वो रही, हां विच लिखी आजादी जट दे जिन यारे बड़े ने। ते टाइम में बस टाइम नहीं होता है, रोटी बना के रखूं तो क्या बोलते हैं, बस पिज्जा डाल दिया, खाने में फ्रूट्स ले लिए और अपना एग बॉईल कर रहा हूँ साथ में लेके जाने के लिए। आने के लिए मैं अभी पिज्जा ही लेके जा रहा हूँ और आज बस काम करने के बाद छुट्टी है तो तब कुछ बना लेंगे, कुछ खाना वगैरह। टिफिन तैयार है, सारा कुछ मैंने डाल लिया, पैक कर लिया। और जो जॉब है वो 12 आवर्स की है, सो 12 आवर्स की जॉब होती है। सो मेरा जो टिपिकल डे है वो 4:45 या 5 AM पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बस तैयारी, फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह सुबह पी के बस 12 घंटे की कॉन्टीनेंटल शिफ्टें हैं, तो 12 आवर्स की शिफ्टें होने के कारण टाइम नहीं मिलता है चीज़ें करने का, क्योंकि 12 आवर्स की शिफ्ट है तो सारी जान निकल जाती है, पूरे दिन ही निकल जाता है 12 आवर्स में। सो जैसा कि मैंने कहा, मेरा टिपिकल डे स्टार्ट होता है 5 AM, अराउंड 4:45 या 5 AM पे। 5:40 हो गए हैं, 12 घंटे की जॉब में 3 बार ब्रेक मिलती है। सो अपना एक बार फ्रूट्स और क्या बोलते हैं, एक बार अपना अपना खाना और प्रॉपर मील, जैसे रोटी हो गई या अपना कोई पिज़्ज़ा वगैरह जब कुछ ऑर्डर करवा लिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, खाना बनाने में टाइम बहुत लग जाता है। मैंने टिफ़िन लगाया था रिसेंटली, हटाया है और ख़ुद कुकिंग स्टार्ट करी है थोड़ी बहुत। सो सेफ्टी शूज़ जो मस्ट है, लोग वहाँ पे जाके काम पे चेंज करते हैं, मैं बेसिकली घर से ही चेंज करके जाता हूँ, शूज़ उठाता ही नहीं, मुझे थोड़ा बेकार लगता है शूज़ उठाने ना, काफ़ी कुछ बोझ बढ़ जाता है। तो मैं सोचता हूँ बस में ट्रैवल करना है तो अपना कोई चक्कर ही नहीं है कि इतना सामान उठाओ, वहाँ पे सीधे बस क्या बोलते हैं कंपनी के सामने उतार देती है, तो कोई चक्कर पड़ता नहीं है कि ज़्यादा वॉक करनी है, तो मैं अपने सेफ्टी शूज़ ही पहन के जाता हूँ। सो जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ वो तेरी तो जिस टाइम पे मैं निकलता हूँ हमेशा रात ही होती है, और मेरी शिफ्टें कॉन्टीनेंटल हैं, उसमें 2 हफ्ते कॉन्टीनेंटल का मीनिंग होता है 2 हफ्ते मॉर्निंग में और 2 हफ्ते उसके बाद नाइट। सो मेरी जो शिफ्ट है वो 7 AM to 7 PM है, और अगले 2 हफ्ते के बाद 7 PM से लेके 7 AM हो जाएगी, अभी 7 AM to 7 PM है। सो ये जो 12 आवर्स का फ्रेम वर्क है उसमें काम करना काफ़ी दिन में, मीनिंग सारा टाइम तो वहाँ पे ही निकल जाता है जॉब पे, कुछ पता ही नहीं चलता कि दिन गया कैसे। सो मेरा अपना यहाँ पे 2 घंटे का ट्रैवल भी है, 1 आवर का है, 1 hour 10 minutes, 1 hour 20 minutes, 3 buses चेंज करता हूँ मैं। पहले यहाँ पे 115 है जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस है, उसके बाद 900 है वो भी एक्सप्रेस है, और उसके बाद 44 है। सो बेसिकली 3 buses के बाद मैं काम पे पहुँचता हूँ, और ये 1 hour 10 minutes या 1 hour 20 minutes मुझे लग जाते हैं। बस एक बार मुड़ना है गली से और वहाँ पे बस स्टैंड आ जाते हैं, पर अपने इस पे एक्सप्रेस बस इस पे नहीं आती। सो इस पे जो बसेज वहाँ पे लिखी हुई हैं वही बसेज यहाँ पे रुकती हैं, और मेनली यहाँ पे एक बस ही रुकती है। सो जो मेरी बस है वो अगले स्टॉप पे आएगी, और उसका टाइम अराउंड 5:50 पे है कि 5:50 पे आएगी। कभी कभी मैं 5:25 वाली भी पकड़ता हूँ, क्योंकि इस बस से कभी कभी मैं काम के लिए लेट हो जाता हूँ। तो फिर से बैक टू जॉब, कि मेरी जॉब मुझे कैसे मिली और क्या बोलते हैं क्या है। तो उसका पे रेट तो $17.5 है पर आर। सो ये मैंने अपनी ड्रॉप में यहाँ पे होता है, 1 साल हो गया था, 2 semester मेरे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर क्लियर हो गए थे, उसके बाद 4 महीने का ड्रॉप था शेरिटन कॉलेज से, तो 4 महीने का वेकेशन थी, तो उसके अंदर मान मैं काम आप चाहे जितना मर्जी करो कोई पंगा नहीं, तो उसके अंदर मुझे टाइम भी फ्री मिल गया था, वरना कॉलेज के कारण
और पढ़ाई होती थी, असाइनमेंट्स होते थे, मैं काम कर नहीं पाता था 8 घंटे से ऊपर वगैरह। सो ड्रॉप में मैं 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और ये हमारी पहली बस है 3 बसेज में से जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ काम पे पहुँचने के लिए। सो बस बेसिकली टैप करना होता है प्रेस टू। सो आप बस में टिकट भी ले सकते हो, बट बस की टिकट आपको $4 की पड़ेगी, और यहाँ पे कनाडा में लोग प्रेस्टो कार्ड बनाते हैं जिसको आप टैप कर सकते हो, और वो बेसिकली सस्ते पड़ते हैं, जैसे एक टैप में $3.40 कटते हैं, तो आपकी 60 सेंट्स की सेविंग हो जाती है, और आप कार्ड्स में पास भी डलवा सकते हो। सो ये आ गया हमारा टोरंटो पियर्सन, पहला स्टॉप क्लियर कर लिया, और अब बस 900 की वेट करनी है। सो मैं आ गया 900 से अपना किपलिंग स्टेशन पे, और यहाँ पे मैंने अपनी थर्ड बस पकड़नी है, तीसरी बस, और जो पहुँचाएगी मुझे काम पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे खड़ा था तो मैं तुझे बता दूँ। सो चीज़ क्या है, यहाँ के जो स्टेशन होते हैं जैसे सबवे स्टेशन हो गए, ठीक है, जिस स्टेशन में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आप डायरेक्टली वॉक करके नहीं आ सकते, आपको या तो बस में आना है, ठीक है, जब आप सबवे ट्रेन से आते हो। तो होता क्या है कि जब आप बस में टिकट ले लेते हो तो वही टिकट ऑटोमेटिकली उस स्टेशन पे लग जाती है, और आप उसी टिकट से सबवे की ट्रेन भी पकड़ सकते हो, और आपके वही मीनिंग एक चार्ज पे $3 जो कटे हैं उससे आप 2 घंटे ट्रैवल कर सकते हो फ्री में। सो सबवे का यही रूल होता है। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने बस में एंटर किया हूँ तो मैंने टैप नहीं किया प्रेस्टो, इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सबवे स्टेशन पर खड़ा था। सो मेरा टैप ऑटोमेटिकली हुआ है तो मेरे 2 घंटे फ्री हैं। सो अगर आप सबवे की ट्रेन से आ रहे हो तो आप सीधे बस पकड़ सकते हो, अगर आप बस से आ रहे हो तो आप सबवे। और बस मेरा आ गया फाइनल स्टॉप, और क्या बोलते हैं बोरी मेरी वेयर हाउस कंपनी, और अब बस मैंने जाना है, और 8 मिनट रह गए मेरे काम स्टार्ट होने में, तो बस 7 बजने में 8 मिनट रह गए तो मैं चलूँ अपना जल्दी। इसको एक्सेस कार्ड दिया हुआ है तो मेरे पास भी एक्सेस कार्ड है डोर खोलने के लिए, जरूरत पड़ी नहीं मुझे एक्सेस कार्ड की, क्या बोलते हैं पहले से किसी ने डोर खोल दिया था, वरना एक्सेस कार्ड यूज़ करना होता है डोर पे, वो वाला डोर खोलने के लिए, और बाद में सिक्योरिटी को भी दिखाना होता है एक्सेस कार्ड। ये बना हुआ है मेरा हैंग करने के लिए जगह, जैकेट्स वगैरह हैंग करने के लिए, तो मैंने अपनी क्या बोलते हैं जैकेट टांग दी और मैं भागूं, 4 मिनट रह गए हैं, अगर 4 मिनट के ऊपर करूँगा 7:01 पे करूँगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे। मेरे दोस्त कुछ कहना चाहेंगे व्लॉग के अंदर। ये क्या बोलते हैं अपना लंच रूम बैग रखने के लिए, और बैग रखने के लिए वैसे कभी जगह होती नहीं है। सो यहाँ पे यूनिफॉर्म्स क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म चेंज करूँगा, और यहाँ पे फेस आईडी लगाने के लिए। मेरा गेटअप हो गया तैयार, सो ये पूरा हेयर नेट क्या बोलते हैं अपना हेयर नेट, ऊपर से मास्क, और नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हेयर नेट ये हो गया, बियर्ड नेट और या की अपनी शर्ट। तो ये गेटअप है कि यहाँ पे आके ये चेंज करना होता है एम्प्लॉइज़ का, और बस अब काम पे। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्या बोलते हैं मॉर्निंग में ना हमारी मीटिंग होती है मशीन ऑपरेटर की, तो इसलिए इतनी जल्दी जल्दी भाग के मैं जा रहा हूँ, तो सारे मशीन ऑपरेटर पीछे मिलते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आज के प्रोडक्ट हैं और कितना कितना टाइम लगेगा। और ये रही मेरी बॉटल्स जो क्या बोलते हैं ये मशीन शॉर्ट आउट करती है, और इनको शॉर्ट आउट करके 12 के ग्रुप बना के जितनी भी हैं शायद 12 ही हैं उनको करती है। ये मशीन है जो मैं ऑपरेट करता हूँ, और ये रही उसकी स्क्रीन। सो यहाँ से जाके सॉर्ट आउट होके फिर नीचे कार्डबोर्ड लगता है, फिर आगे जाके रैप होती है, ये रहे कार्डबोर्ड्स। तो ये कार्डबोर्ड्स बॉटल्स के नीचे चले जाएंगे, और ये क्विक ना वाइट कलर के थोड़े छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स से होते हैं, फेविकॉल ही होती है एक तरह से, ये पिघल जाती है इसके मशीन के अंदर, और ये मशीन हेल्प करती है फिर कार्डबोर्ड को जोड़ने में, ये रैपर थे और ये रैप हो जाता है ऊपर आने के लिए। ये मेरा फिलिपींस दूसरा मशीन ऑपरेटर लगा हुआ है, और ये रहा मैं, और क्या बोलते हैं ये अपना जा रही पीछे से आती हैं बॉटल्स ना,
तो यहाँ से आती हैं, यहाँ से इतनी दूर से एक एक करके आती हैं। सो आज मॉर्निंग शिफ्ट पे है, तो पंगा ये है आज काम को तो खत्म हो गया, पर मॉर्निंग शिफ्ट में ना सुपरवाइजर टीम लीडर्स होते हैं तो वो काम लगा के रखते हैं, तो लाइन बंद है, कुछ है नहीं काम करने को, पर तब भी काम पे लगाए हुए हैं। और ये अभी बॉटल्स भर के लाए हूँ पीछे से पानी की, एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि मशीन में जो न्यू बॉटल चेंज ओवर आएगा वो क्या बोलते हैं, एक बार ट्राई करेंगे बॉटल्स का साइज़ वगैरह सही चल रहा है, बॉटल रैप सही से हो रही है, या भी प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, कभी छोटी बॉटल कभी बड़ी बॉटल। सो अभी इन बॉटलों में पानी भरा हुआ है, इनके अंदर क्या बोलते हैं, जबकि टोमेटो जूस पता नहीं यार क्या बनाते रहते हैं, जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे पीने की चीज़ें तो एक दो ही सही है। सो सारी लाइन क्लोज है, क्या बोलते हैं ये दूसरी लाइन पे बॉटल्स लेके जाने, दो लाइन पे ही काम करता हूँ, लाइन 11 लाइन 12 पे, ये जो दूसरी वाली है जो सुबह दिखाई मैंने अपना क्या बोलते हैं वीडियो में, पहले वो बॉटल्स ही दिखाई थी छोटी छोटी सी, वो लाइन 12 है। तो ये स्टिकर से सारे रख दूँ एक जगह पे बंडल बना के, ये स्टिकर वहाँ पे लगते हैं जो सामने ये वाली मशीन है, और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वहाँ से अंदर से आता है तो ऑटोमेटिक स्टिकर लगते रहते हैं। ये उतारनी मुश्किल हो जाएगी मुझे नीचे, यहाँ पे ये होल्स है, यार उतार तो ली, अब इसको ऊपर चढ़ाना है, वो सारे ही चले गए यहाँ पे जो काम कर रहे थे, उनके साथ ही तो काम करना था, वो पता नहीं गए कहाँ पे, सारा कुछ छोड़ के उनका तो पता नहीं कहाँ पे गए, मुझे पता नहीं वो कितनी वॉल्यूम आ रही होगी कि नहीं। ये कान में इसलिए पहने हुए हैं मैंने, यहाँ पे शोर बहुत होता है, ईयर प्रोटेक्शन ज़रूरी है वरना आपके कान गए, पैसे हैं डॉलर हैं बट क्या बोलते हैं बस अपनी लाइफ का क्या बोलते हैं वही है कि ईयर अपने ना गवाओ डॉलर के लिए। साहब आ गए थे और वो काम कर रहे हैं, सो बस हमारा क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है, मैंने वो एडजस्ट करनी पड़ती हैं, छोटी बॉटल्स होती हैं तो ये बड़ी बॉटल है, तो मैकेनिक एडजस्ट करता है चीज़ों को, सो मैकेनिक साहब लगे हुए हैं बॉटलों को एडजस्ट करने में और चेंज करने में पोजिशन को। ऑपरेटर हूँ तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर टाइम फ्री काफ़ी मिल जाता है, कि कभी कभी बिल्कुल काम नहीं होता, 12 आवर्स की शिफ्ट है और मैक्सिमम टाइम मुझे 12 आवर्स में से 4-5 आवर्स फ्री मिल जाते हैं, तो मैं अभी ड्रॉप है मेरा और ड्रॉप पे मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, 40 आवर्स से भी ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपनी फीस निकालने के लिए या फूस में अपनी मशीन ऑपरेटर की जॉब रिसेंटली ली है इंटरव्यू देके। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे मैंने पहले तो इंटरव्यू दी, उसके अंदर बेसिक से क्वेश्चंस थे कि आप पहली जॉब क्यों छोड़ रहे हो, और मुझे लगता है यार यहाँ पे शोर भी काफ़ी आएगा, अगर मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आए तो मुझे लगता है कि मुझे फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी घर जाके, तो देखता हूँ मैं, अगर गाइस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो देख लेना यार। तो मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे मई में, मेरा ड्रॉप स्टार्ट हुआ था तब मैंने मई में यहाँ पे जॉब की थी स्टार्ट अपनी 15 मई से, और मीनिंग मैं कहूँ तो ये बढ़िया जगह है, यहाँ पे 12 आवर्स की शिफ्ट है और उसमें से आपको 4-5 आवर्स रेस्ट मिलती है, कभी कभी कुछ काम नहीं होता, और मशीन ऑपरेटर की जॉब भी अच्छी है और पे भी $17.5 है, सो मिनिमम पे से तो काफ़ी बढ़िया ही है, एक मिनिमम वेज से तो बढ़िया ही है। और आज मेरे यहाँ पे अभी काम नहीं है, आज सिर्फ मशीन में कोई प्रॉब्लम थी तो वो सिर्फ ट्रायल के लिए लोग आने वाले हैं और 8 बजे काम शुरू होना है। सो यार आज दिन बड़ा अच्छा जा रहा है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, फैन चल रहा है, चेयर मेरी ये रही, बॉटल मेरी वो रही, कभी कुछ काम नहीं है, सारी मशीन्स वगैरह यहाँ से बॉटल्स आती हैं बट बॉटल्स अभी आ नहीं रही और मेरा भी कुछ काम है नहीं, मेरी कंपनी जो है बॉटल्स प्रोडक्शन में लिक्विड में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है, मैं पहली बार यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डिपल एरिया है, मैं आगे वरना फ्रंट में करता हूँ, तो यहाँ पे सारी बॉटल्स वगैरह स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे बस खाली बॉटल्स रखी जाएंगी और आगे लिक्विड भरा जाएगा।
था जहाँ पे बॉटल्स आनी थी, और उसके बाद बॉटल्स वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आती हैं सेकंड टाइम और ऐसे लटक रही हैं। तो बस ये बॉटल्स जाएंगी सीधे एक पिलर के अंदर, वो जो सामने मशीन सी दिखाई दे रही है उस मशीन के अंदर जाएंगी, और वहाँ पे लिक्विड वगैरह में लगता है फिल होगा और सब कुछ होगा। और ये जो है बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन है, पता नहीं कितनी कितनी मशीन्स हैं, तो मुझे खुद नहीं पता क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारा मीनिंग एंड तक मशीन के पार्ट्स हैं। आज मशीन ख़राब हो गई थी तो इनमें से ही पार्ट्स लेके जाके वहाँ पे अंदर इंस्टॉल किए गए हैं उस रूम के अंदर, ये वाली चीज़ के अंदर, बिल्डिंग के अंदर। सो भी यार वो बस दोस्त मेरा गया है बॉटल्स वगैरह लेने, तो बॉटल्स आ रही हैं। सो ये बॉटल्स अपने आप अपना ऑटोमेटिकली जाती हैं, बट आज मशीन ख़राब है तो मैन्युअली डाल रहे हैं हाथ से। सो ये बेसिकली स्टार्टअप एरिया है और ये पूरा पीछे वेयर हाउस है बॉटल से भरा हुआ। तो ये पूरी यहाँ पे देख सकते हो यार, पूरी बॉटल्स हैं, और ये क्या बोलते हैं आगे तक है वो पीछे तक, और जो आगे ऐसे वेयर हाउस है वहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट रखे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ बॉटल्स हैं खाली जिनके अंदर लिक्विड डाला जाएगा स्टेप में, उसके बाद लास्ट स्टेप में पूरी लेबल्स वगैरह लगाए जाएंगे, और फिर पूरे लास्ट वाले स्टेप में उनको पैलेटाइज किट बना दी जाएगी, और लास्ट में बिल्कुल इस वेयर हाउस के ऑपोजिट साइड में बिल्कुल आगे जाके उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो अभी मेरे पीछे कंपनी में हूं मैं और समर की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। बाद में जाऊंगा यार आइसक्रीम के लिए, मैं अभी सामने गया था काउंटर पे और वहां पे अभी ये चीजें मिली हैं जो सामने दिखाई दे रहा है ये सेक्शन। और वहां पे गेम्स हैं, तीन चार गेम्स, शूटिंग वाली और गोल करने वाली और जो मारते हैं हैमर से वो वाली। भाई बस ये आगे अपनी पौड़ियां, एंड में ये भी फिर से स्टोरेज, थोड़ा बहुत जो भी सामान है स्टोरेज एरिया ही रखा हुआ है। लॉकर रूम है वो वॉशरूम के साथ अटैच ही है, वॉशरूम के बाद क्रॉस करने के बाद लॉकर रूम आता है। यार चाहे आज कोई काम नहीं था पर फ्री बैठ बैठ के भी ना बुरा हाल हो गया। नीचे थे सारे अच्छे क्लोथ्स वाले लॉकर्स और यहाँ पे वो लॉकर्स हैं जिसके अंदर हम फेंक सकते हैं अपनी गंदी टी शर्ट्स, तो यहाँ पे फेंकूंगा। और इस डोर के थ्रू क्या बोलते हैं बाहर आते हैं, तो ये हमारा लंच रूम और यहाँ पे क्या बोलते हैं बैग्स वगैरह रखने के लिए, लॉकर में भी रख सकते हैं, वो वॉशरूम के अंदर है, वॉशरूम क्रॉस करके साथ में अटैच क्या बोलते हैं अपना वो है लॉकर रूम, और मैं यहाँ पे ही रखता हूँ पसंद करना, तो मैंने यहाँ पे बैग रखा हुआ है। सो बस ये मेरी क्या बोलते हैं साइन आउट की लाइन है, आ गया बस। सो मैं साइन आउट कर रहे हैं सारे और मैंने भी बस साइन आउट करके निकलना है, फ़ोन से नहीं होगा तो बंद करना पड़ेगा फेस है। तो फेस साइन आउट होता है, फेस स्कैन होता है और हमारा काम हो गया, हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ से क्या बोलते हैं टी शर्ट्स भूल गया था, यहाँ पे टी शर्ट्स होती हैं, यहाँ से लेते हैं और कब यहाँ पे फेंक देते हैं। और यहाँ पे कहीं पे मेरी जैकेट भी होगी और जैकेट है कहाँ। तो अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ और पीआर वाली जॉब कर रहा हूँ, और इसके बारे में मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा पार्ट टू में। सो ओके गाइस।